अपने कई सारे इन्वेंशंस के थ्रू निकोला टेस्ला ने दुनिया भर को बिना वायर्स का यूज़ किए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का सपना देखा था, और वो इस सपने को पूरा करने के बहुत क्लोज भी पहुंचे टेस्ला कॉइल के इन्वेंशन के साथ। तो चलिए जानते हैं कि क्या है टेस्ला कॉइल और ये कैसे काम करता है। मैं हूँ शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वॉचिंग द टेरेस्ट्रियल टेक। टेस्ला कॉइल पहला ऐसा सिस्टम था जो कि वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकता था। पहले के रेडियोज़ और टेलीग्राफी में इन टेस्ला कॉइल्स का यूज़ किया जाता था, पर इन कॉइल्स के वेरिएशंस का यूज़ करके और भी कई सारी चीज़ें की जा सकती थी, जैसे लाइटनिंग बोल्ट शूट करना, बॉडी के मीडियम से इलेक्ट्रिक करंट सेंड करना और इलेक्ट्रॉन विंड्स क्रिएट करना। टेस्ला ने 1891 में इस कॉइल का इन्वेंशन किया। इसके पहले कन्वेंशनल आयरन कोर ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता था लाइटिंग सिस्टम्स और टेलीफोन सर्किट्स को पावर सप्लाई करने के लिए। ये कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर्स टेस्ला के लूज कॉइल्स की तरह हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज नहीं सह सकते थे। इस सिस्टम के पीछे का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल था, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और रेजोनेंस का यूज़ करना। एक टेस्ला कॉइल में दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, जिनमें कैपेसिटर्स भी होते हैं जो कि बैटरीज की तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं। ये दोनों कॉइल्स और कैपेसिटर्स एक स्पार्क गैप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये गैप दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप होता है जिसमें एयर होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क जनरेट करता है। एक आउटसाइड सोर्स भी होता है जो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है, जो कि इस सारे सिस्टम को पावर सप्लाई करता है। बेसिकली टेस्ला कॉइल दो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जो कि स्पार्क गैप्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। टेस्ला कॉइल को एक हाई वोल्टेज पावर सोर्स की नीड होती है, और एक रेगुलर पावर सोर्स को यदि ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई किया जाए तो ये नेसेसरी करंट प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रांसफार्मर्स लो वोल्टेज के मेन पावर को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। पावर सोर्स को पहले प्राइमरी कॉइल से जोड़ दिया जाता है। प्राइमरी कॉइल का जो कैपेसिटर होता है वो एक स्पंज की तरह काम करता है और सारे चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर जो प्राइमरी कॉइल होता है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो इतनी बड़ी अमाउंट में चार्ज और करंट को झेल सके। इसलिए यूजुअली इन कॉइल्स को कॉपर का यूज़ करके बनाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। इसके बाद कैपेसिटर इतना चार्ज बिल्ड कर लेता है कि वो इस स्पार्क गैप में एयर रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देता है, और कैपेसिटर से करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो होता है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। एनर्जी का इतना बड़ा अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड को कोलैप्स कर देता है और सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। इन दोनों कॉइल्स के बीच एयर में मौजूद वोल्टेज स्पार्क गैप में स्पार्क क्रिएट करता है। ये एनर्जी दोनों कॉइल्स के बीच एक सेकेंड के अंदर सैकड़ों बार इधर से उधर बहती है और सेकेंडरी कॉइल और कैपेसिटर में चार्ज प्रोड्यूस करती है, और आखिर में ये चार्ज इतना हाई हो जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह बर्स्ट हो जाता है। ये रिजल्टिंग हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज कई फीट दूर से बिना वायर्स के फ्लोरोसेंट बल्ब्स को ग्लो करा सकते हैं। एक परफेक्टली डिज़ाइन टेस्ला कॉइल में जब सेकेंडरी कॉइल अपने मैक्सिमम चार्ज को रीच करता है तो ये सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है। प्रैक्टिकली इस चीज़ को अचीव नहीं किया जा सका है, क्योंकि स्पार्क गैप में मौजूद गर्म हवा सेकेंडरी कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी को दूर ले जाती है और गैप में वापस ढकेल देती है, जिससे टेस्ला कॉइल में मौजूद एनर्जी खत्म हो जाता है। इसी वजह से कॉइल को आउटसाइड पावर सोर्स से जोड़ा जाता है। टेस्ला कॉइल के पीछे का प्रिंसिपल है रेजोनेंस नाम के फिनोमिना को अचीव करना, और ये तब होता है जब प्राइमरी कॉइल करंट को सेकेंडरी कॉइल में एकदम सही वक्त पर ट्रांसफ़र करे, जिससे सेकेंडरी कॉइल में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो। यदि टेस्ला कॉइल का एक एडजस्टेबल रोटरी स्पार्क गैप के साथ सेटअप किया जाए तो ऑपरेटर को करंट के वोल्टेज पर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। इसी तरह से कॉइल्स कई तरह के लाइटनिंग डिस्प्लेस क्रिएट करता है। भले ही टेस्ला कॉइल्स के ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ ना हो, पर इसने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सका है और इसका यूज़ किया जा सका है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।